इस बुक में ऑथर एक बेसिक क्वेश्चन का पीछा करते हैं, क्या कोई गुड कंपनी एक ग्रेट कंपनी बन सकती है, और यदि ऐसा है तो कैसे। ऑथर इस बुक में कहते हैं, लोगों के आगे ना बढ़ पाने का मेन रीजन बुरी चीजें नहीं होती, ये सारी गुड चीजें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। आज ज्यादा ग्रेट कॉलेज नहीं बनते क्योंकि हम गुड कॉलेज से खुश हैं, और उसमें हमें ग्रेट फैकल्टी नहीं दी जाती क्योंकि हम गुड फैकल्टी से खुश हैं। आज ज्यादा ग्रेट लीडर नहीं बनते क्योंकि हम खुश हैं गुड लीडर से। और इसी वे में कहूँ तो हम ग्रेट लाइफ नहीं चाहते क्योंकि हम गुड लाइफ से खुश हैं। कहने का मतलब ये है, अभी हम जिस भी चीज से कंफर्टेबल है तो उससे बेहतर हमें कैसे मिल सकता है। कॉलिंग्स के गुड टू ग्रेट प्रिंसिपल ने साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस की पहचान की है। सही लोगों को हायर करना, अपना उद्देश्य स्पेसिफाई करना, रिजल्ट्स पर फोकस करें और कठिन निर्णय लेना शामिल है। बुनियादी प्रिंसिपल्स को अब भी बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। अभी तक अनप्रिडिक्टेबल या अनक्वांटिफिएबल फोर्सेस जैसे बोझिल ब्यूरोक्रेसी, सीईओ ईगो, अनएंटिसिपेटेड मार्केट और इकोनॉमिक चेंज जैसी चीजें चट्टान से कई कंपनियों को धक्का दे सकते हैं। वे बिजनेस जो ग्रेट से गुड हुए, गुड से बैड और बाद में आउट हो गए। कॉलिंग्स और उनके रिसर्चर्स ने 1435 फॉर्च्यून में से 500 कंपनियों को चुना, जिसमें ग्रेटनेस के लिए उनकी स्टडीज ने क्राइटेरिया को पूरा किया था, जो थे 15 ईयर्स के कॉमोडिटी स्टॉक रिटर्न या उससे कम जनरल स्टॉक मार्केट, पंचुएटेड ट्रांजिशन पॉइंट, फिर कॉमुलेटिव रिटर्न्स एटलीस्ट 15 ईयर्स में कम से कम 3 टाइम्स हो। 2001 में ग्रेट बनने वाली 11 कंपनियां एबॉट, सर्किट सिटी, फैनेमई, जिलेट, किम्बरली क्लर्क, क्रोगर, नुकुर, फिलिप मॉरिस, पिटनी बोविज, वॉलग्रीन्स और वेल्स फार्गो। रिसर्चर्स ने सीधे इन कंपनियों की तुलना 11 कंपनियों के सेम इंडस्ट्रीज में की, जो सेम रिसोर्सेज और चैलेंजेस थी, लेकिन ग्रेट बनने में फेल रहे। उन्होंने अपने 11 विनर्स की तुलना 6 फार्म्स के साथ की, जिन्होंने कभी महानता हासिल की थी लेकिन इसे बनाए नहीं रखा था। रिसर्चर्स ने प्रत्येक महान कंपनी का गहराई से एनालिसिस किया, जिसमें इसके एग्जीक्यूटिव और सीईओ के इंटरव्यू और इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एक्वाइजिशंस, कंपनसेशन प्लान्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज और कॉरपोरेशन कल्चर की एक करीबी एग्जामिनेशन शामिल है। रिसर्चर्स ने ये फैक्टर जिसमें नहीं थे उन कंपनियों को नकार दिया था। एग्जाम्पल के लिए, एक प्रसिद्ध सुपर हीरो सीईओ होने से कंपनी को कोई बहुत बड़ा काम नहीं मिल रहा है। कॉलिंग्स स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस में शानदार ढंग से बनाए गए बिल्डअप की प्रोसेस के रूप में गुड से ग्रेट कंपनियों के रास्ते को दर्शाती है। स्टेज 1 डिसिप्लिन्ड पीपल के लिए लेवल 5 लीडरशिप की आवश्यकता है, जो प्रोफेशनली रूप से संचालित विनम्र लीडर्स की विशेषता है, जो पर्सनल सक्सेस के आगे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स रखते हैं, जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और महान उत्तराधिकारी चुनते हैं। स्टेज 2 डिसिप्लिन थॉट, लीडर्स को क्रूर तथ्यों का सामना करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कॉलिंग्स कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कठिन प्रश्न पूछने, फैक्ट आधारित डिसीजन लेने और 4 प्रोटोकॉल का उपयोग करके प्राप्त ट्रूथ को स्वीकार करना चाहिए। प्रश्नों के साथ लीड न करें, जवाब बहस और बातचीत में संलग्न हो, मजबूर नहीं, दोष रहित आचरण का संचालन और लाल फ्लैग मशीनिज्म का निर्माण, ये डेटा अलर्ट करने के लिए है जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्टेज 3 डिसिप्लिन एक्शन, कंपनीज कल्चर ऑफ डिसिप्लिन पैदा करती हैं। सफल स्टार्टअप अक्सर एक खतरनाक चक्र में पड़ते हैं। शुरुआती समय में वे कहते हैं, क्रिएटिविटी और पैशन फील की ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइज को ऑपरेशंस करने की जरूरत होती है। सॉलिड स्टफिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कॉर्पोरेशन सिस्टम्स के साथ जो सभी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। कॉलिंग सलाह देते हैं, एक डिसिप्लिन मैनेजरियल फ्रेमवर्क बनाएं और इसके भीतर क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। स्ट्रेटजी महानता को सुनिश्चित नहीं करती, ना ही टेक्नोलॉजी या एक्विजिशन ही करती है। ग्रेट कंपनियां पेडेस्ट्रियन इंडस्ट्रीज में कामयाब रही हैं। बड़ी लॉन्च की इवेंट्स, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स या मैनेजमेंट उथल पुथल से नहीं बढ़ता। कॉलिंग्स ने पाया कि गुड टू ग्रेट से ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट के एक सावधानी पूर्वक जानबूझकर साइकिल में विकसित होता है, जिसके बाद एक छलांग आगे बढ़ती है। फ्लाईव्हील के भीतर यह प्रोसेस कार्य करती है। संचित प्रयासों का एक होलिस्टिक फ्रेम एक कंसिस्टेंट डायरेक्शन में लागू होता है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, इसके अलावा 2 और कॉन्सेप्ट इस बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट 1 द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप। जब सीईओ एलन वॉडजेल ने 1973 में सर्किट सिटी का टेकओवर किया, तो यह बैंक करप्सी होने के करीब था। वह और उनकी टीम ने कंपनी के वेयर हाउस रिटेलिंग कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे डेवलप किया। 1970 के दशक के अंत में उन्होंने अपने ट्रेडिशनल स्टीरियो और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर को सुपर स्टोर्स में कन्वर्टेड कर दिया। 1980 और 1990 के दशक के दौरान सुपर स्टोर कॉन्सेप्ट को पकड़ा और गति बढ़ा दी। डेवलपमेंट और ग्रोथ के सर्किट सिटी पैटर्न एक गुड टू ग्रेट प्रतिमान प्रदान करता है।
इसकी सफलता धीरे धीरे निर्माण से हुई। छोटी जीत का कम्युलेटिव इफेक्ट और समय के साथ किए गए अच्छे निर्णय थे। ये कभी भी मिरेकल मोमेंट नहीं था, जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट। निर्माण और सफलता का यह नमूना एक फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट है जो गति को बढ़ाता है। सेकेंड वन, द हेजहॉग। कुछ से ग्रेट कंपनियां हेजहॉग की तरह है जो किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में बेहतर काम करती हैं। एग्जांपल के लिए वॉल्गरीन ने 1975 और 2000 के बीच एक हेजहॉग कॉन्सेप्ट की स्पष्टता और स्थिरता के साथ ध्यान में रखते हुए एकर्ड, एक प्रतिद्वंदी ड्रग स्टोर की चैन छोड़ दी। वॉलग्रीन्स ने अमेरिका की सबसे सुविधाजनक दवा की दुकान बनाने की डिमांड की और ड्राइव थ्रू प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा पिकपो के विचारों का वीडा उठाया। वॉलग्रीन्स अपने प्रॉफिट पर कस्टमर विजिट बढ़ाने के अपने गोल्स के साथ सुविधा पर ध्यान केंद्रित किया। इन दोनों क्षेत्रों में अपने उत्साह के टॉप पर अपनी वृद्धि की। कॉलिंग्स कहते हैं, आप भी अपने हेजहॉग की कॉन्सेप्ट्स को तीन विचारों के अंतराल पर विचार कर सकते हैं। आप किसी अन्य कंपनी से बेहतर क्या कर सकते हैं और आप बेहतर करने में क्या असमर्थ हैं? आप पैसा कैसे कमाते हैं? क्या काम आपके दिल से समर्पण का एग्जांपल है? इस बुक में कभी कभी कोलिंग्स की कार्यप्रणाली भाषा अनसेंटिमेंटल और व्यवहारिक लग सकती है। कोलिंग्स एक पर्टिकुलर थीम या थ्योरी को धक्का नहीं देते हैं। कोलिंग्स कॉम्प्लेक्स फोर्सेस आइडियाज और सॉल्यूशंस को बताते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि सभी मूल्यवान यादगार और सभी छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए एक टेम्पलेट का पालन करने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको गुड टू ग्रेट बुक से बताया है, जिसके ऑथर है जिम कोलिंग्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करते रहिए। ये मुझे नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाने के लिए किक देता है। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो इस चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगे। ये नया रूल है यूट्यूब का। ऐसे वीडियोज मैं एवरीडे अपलोड करता रहूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।